हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अपना चिल्हा चौकी। आज मैं बनाऊंगी मटर की बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही कम तेल में झटपट बन के रेडी हो जाता है। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और खाने में जितना टेस्टी है बनाना भी उतना ही ईजी है। एकदम कम तेल में बहुत ही ईजी एंड टेस्टी रेसिपी बन के रेडी होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मटर का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए हमें एक लेना है ग्राइंडिंग जार। उसमें हम डालेंगे 1 कप हरे मटर। अब इसमें हमें 2 से 3 हरी मिर्च डालना है। अब इसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। इसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें 1 बड़े स्पून के बराबर मूंगफली दाना डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अभी हम पानी थोड़ा सा डाल रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम और थोड़ा सा डालेंगे। इसका हम एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही फाइन पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम एक लेंगे मिक्सिंग बाउल। इसमें हमें डालना है 1 कप सूजी। सूजी हमें यहाँ पे पतला वाला लेना है। अगर आपका सूजी थोड़ा मोटा है तो उसे आप मिक्सिंग ग्राइंडर में डाल के 1 से 2 बार चला लें। इससे ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। इस तरीके से हम सारे को इसमें डाल देंगे। मिक्सिंग जार में थोड़ा सा लगा हुआ, उसी में हम थोड़ा सा पानी डाल के और उसे भी हम इसमें डाल लेंगे। बाकी जो उसमें लगा था वो भी हम इसमें डाल लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून मंगरेला। 1/2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने से नाश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही हमें इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 स्पून नमक डालना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब हमें इसमें 1 स्पून चाट मसाला डालना है ताकि ये नाश्ता बहुत ही चटपटा सा बने। साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून के बराबर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अब इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी बहुत ही गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा डाल के हमें पानी को मिक्स करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही तो ज़्यादा पतला। इसका एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी वाली घोल बना लेना है। मैंने 1/2 कप पानी लिया था, पूरा 1/2 कप पानी इसमें लग चुका है। चूँकि सूजी है तो सूजी पानी को सोखता है, तो इसके लिए अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट ढक के रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम वापस से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, इतना गाढ़ा हमें बैटर नहीं चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें 1/2 स्पून मीठा सोडा डालेंगे, जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे डालने के बाद हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है, हमें तुरंत ही इसे बनाना है। तो इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीठा सोडा डालने से ये नाश्ता बहुत ही फूला फूला और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पे हमें एक अप्पे बनाने वाला स्टैंड रखना है। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम सारे अप्पे को बनाएंगे। बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बहुत ही अच्छे से बन जाता है। हम इसमें हल्का तेल का यूज़ करेंगे।
एकदम इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही कम तेल लगता है इस नाश्ते को बनाने में। इस तरह से हम सारे खाने को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अब इसमें एक स्पून के बराबर हम सारे बैटर को इसमें डालेंगे। सारे बैटर को इसमें डाल के हमें मीडियम फ्लेम पे इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक कुक होने देना है। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, इसमें ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इसे पकते हुए 7 मिनट हो चुका, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे दूसरे साइड भी इस तरह से पलट देते हैं एक स्पून की हेल्प से। सारे को इस तरह से हम पलट लेंगे, देख सकते हैं कितना अच्छा से ये एक तरफ पक चुका है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी अच्छे से पकने देना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से हल्का सा तेल लगा देंगे ताकि ये नीचे से बहुत ही अच्छे से, एकदम हल्का तेल लगाना है हमें, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती इस नाश्ते में। ब्रश की हेल्प से थोड़ा थोड़ा हम तेल लगा देंगे ताकि नीचे से भी अच्छे से पक जाए, जले नहीं नीचे इसके लिए। अब इसे भी हम कवर करके 5 से 7 मिनट तक दूसरे साइड भी पकने देते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम वापस से चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए दूसरे साइड भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है, एकदम फुला फुला सा ये नाश्ता बन गया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं पकाना नहीं तो फिर ये जल जाएगा, फिर इसका टेस्ट एकदम अच्छा नहीं आएगा। सारे को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे अप्पे को एक प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है ये, बहुत ही टेस्टी, एकदम फुला फुला सा। सेम प्रोसेस से हम सारे बना लेते हैं। फ्रेंड्स ये नाश्ता बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाता है बहुत ही कम समय में, तो हेल्दी भी बहुत है, हेल्दी ईजी बहुत ही ये नाश्ता, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये लीजिए मेरा यहाँ पे ये नाश्ता बन के बिल्कुल रेडी है। मैं इसे टोमेटो सॉस से सर्व कर रही हूँ, आप किसी भी सॉस के साथ इसे खाए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं कितना फुला फुला सा ये सॉफ्ट बना है। तो सेम प्रोसेस से फ्रेंड्स आप भी बनाएं। ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।